हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई का सबका डायमेंटेड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पीएम की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लाइफ चेंजिंग थॉट है, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आई होप स्टूडेंट्स, ये लाइफ चेंजिंग थॉट आपकी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो बात करते हैं हमारी क्लासेस की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेथड है आज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम इसको वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1y a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से आप x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन ये है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कहां आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको x का और y की दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इस फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। अब हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको क्वेश्चन में गिवन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो आप वही अप्लाई करेंगे। आपको दिया 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ये इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम क्या करेंगे, आपको जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हम देखो क्या था, x अपॉन क्या था, b1c2, तो b1 यहाँ पे b1 कितना है, 3, तो 3, c2 कितना है, माइनस 6, तो माइनस 6, माइनस b2 कितना है, माइनस का 2, b2 और c1 कितना है, माइनस 17, तो माइनस 17 x में पुट कर दिया, इक्वल टू y अपॉन क्या था, c1 a2 कितना है, 3, तो 3 माइनस c2 a1 कितना है, 2, तो 2। ओके, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन a1 b2, a1 कितना है आपका, a1 है 2 और b2 कितना है स्टूडेंट्स आपके, माइनस 2, तो माइनस 2, बीच में माइनस साइन। फिर a2 कितना है, 3 a2, देन b1 कितना है, 3, तो 3 लिख लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, को सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 6 3 18, और माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो माइनस आएगा, तो ये कितना होगा, 7 2 34 इक्वल्स टू
y अपॉन कितना होगा 17 3 जा कितना होगा 51 और माइनस साइन है तो माइनस, फिर माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 6 2 12 इक्वल टू 1 अपॉन देखो 2 2 4 तो माइनस 4 माइनस साइन है तो और माइनस का 3 3 9 तो 9 हो गया ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x अपॉन ये क्या हो गया नीचे 52 इन दोनों का एड कर लेंगे y अपॉन माइनस 51 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 39 और ये इक्वल होगा माइनस 13 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 13 के इक्वल। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं ठीक है। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इक्वेट करना है x अपॉन माइनस 52 इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 13 तो x अपॉन माइनस 52 किसके इक्वल है 1 अपॉन माइनस 13 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 52 का जाएगा इधर माइनस 52 अपॉन माइनस 13 माइनस माइनस तो प्लस और 13 कितने बार जाएगा 4 times तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 4 आ गया। सिमिलरली y इक्वल टू y अपॉन क्या है माइनस 13 y अपॉन माइनस 39 किसके इक्वल होगा 1 अपॉन माइनस 13 के, तो y किसके इक्वल हो गया यहाँ पे भी ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 39 अपॉन माइनस 13 तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और कितने टाइम 3 times तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी 3 तो यहाँ से आपको x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि थस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर the solution of given pair of equation is x equal to 4 y equal to 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से गिवन पेयर्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप घर पे सॉल्व करना। आपको इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0 और सेकंड है 2x प्लस y प्लस 10 इक्वल टू 0। मुझे आशा है कि आप इसको इजीली घर पे सॉल्व कर लोगे। और अगर आप इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम पर डायमीटर क्लासेस चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहां पे उसके डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे और भी एनसीईआरटी के डाउट्स और प्रॉब्लम्स है जिसको हमसे शेयर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास पसंद आएगी, सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और वीडियोस फ्यूचर में अवेलेबल होते रहे। ओके स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग डायमीटर क्लासेस, स्टे होम स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना।